आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गुजरात और हिमाचल मतदान के बाद अब बारी है परिणाम की। परिणाम 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एग्जिट पोल आ चुके हैं। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दी, तो गुजरात में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही, लेकिन दोनों ही जगह जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के लिए। ये एग्जिट पोल ज्यादा सुकून लेकर नहीं आए। हालांकि इससे इतर दिल्ली निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी का बोर्ड बहुमत के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी कि अगर एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तो क्या हिमाचल बीजेपी के हाथ से जा भी सकता है, और क्या कांग्रेस गुजरात में अपने पुराने आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी, और क्या आम आदमी पार्टी का सपना जैसा पंजाब में देखा गया वो उत्तराखंड जैसा हकीकत में बदल जाएगा। सवाल सिंहासन पर कौन होगा और उसका आने वाले चुनाव में परिणाम क्या होगा। एग्जिट पोल को अगर सही मान लिया जाए तो गुजरात के अंदर सिंहासन पर बीजेपी होगी, कमल होगा, लेकिन हिमाचल में क्या वाकई में कांटे की टक्कर कुछ इस तरीके से है कि एक दो विधायक उधर उधर और सत्ता इधर से उधर चली जाएगी, सिंहासन इधर से उधर खिसक जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, कांग्रेस नेता RR तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के नेता पीयूष शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक AK सिंह जी। सुमित जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, जरा बताइए गुजरात का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि 120 से 140 के आसपास सीटें आएंगी बीजेपी की 182 में से, सही माने आपको लगता है कि दिल मांगे मोर? देखो विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और गुजरात में लगातार 27 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया है उसे गुजरात प्रदेश और भारत के समस्त देशवासियों को गर्व होता है कि पार्टी जिसने काम किया, गुजरात प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में पूरे देश में उदाहरण है, शांत प्रदेश के रूप में, व्यापार के रूप में, पूरा भारत से कहीं ना कहीं जुड़ाव, मेरे यहाँ से क्षेत्र से बीकानेर से लूणकंसर से कितने हैं प्रवासी जो वहां पर काम कर रहे हैं लगातार, और वो प्रशंसा करते हैं भूरी भूरी की वहां पे कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है और कितना बिजनेस का एनवायरमेंट है और लगातार। सर मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल गुजरात के लिए आया वो आपको सही लग रहा है या लग रहा है कि कुछ और हो सकता है? देखो आपके हमारा तो ये मानना है कि जब भी एग्जिट पोल आते हैं हमेशा बीजेपी उनसे आगे बढ़ती है। जब भी एग्जिट पोल जीते भी आए हैं, चाहे आपके सेंट्रल का आया हो, केंद्र में जब 2014 के नतीजे, 2019 के नतीजे, चाहे उत्तर प्रदेश के, दौर याद है सर आपको शाइनिंग इंडिया ने जो शाइनिंग इंडिया का दौर याद है, उस दौर के एग्जिट पोल याद है आपको? शाइनिंग इंडिया के दौर के एग्जिट पोल याद है आपको? तब शाइनिंग इंडिया वो 2004 की बात है, 18 साल हो गए उस बात को, उस बात को विजेंद्र जी उस ठीक है सर, लेकिन हिमाचल के अंदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में, आपको लग रहा है कि हिमाचल हाथ से चला जाएगा? नहीं, कहीं नहीं जाएगा, हिमाचल भी बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रही है विजेंद्र जी, थंपिंग मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी के साथ। और उसको कितना माने इसको मैं आपको ये कह रहा हूँ शब्दों में, आप समझे फिगर के बजाय कि जो भी फिगर्स आपके सर्वेस के आते हैं बीजेपी हमेशा उसको क्रॉस करके आगे फिगर पे रिकॉर्ड पे लेकर जा रही है। जहां भी चुनाव हुए हैं पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने बाद बीजेपी ने समस्त जहां पे भी सर्वे उनको बाईपास किया, उनको सरपास किया है। ठीक है RR तिवारी जी, गुजरात याद होगा सर बीते 2017 में जब चुनाव हुआ था तो वहां कांग्रेस के गले तक आ गई थी और ऐसा लगा था एक पल के लिए तो कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंधमारी कर दे, लेकिन अब जो एग्जिट पोल आया वो ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस एक बार फिर से गुजरात में बीते 5 साल में डीरेल हो गई। मैं ये कह रहा हूं गुजरात में लोकतंत्र जिंदा है, देश में लोकतंत्र जिंदा है, देश की आजादी के 75वें साल में देश में लोकतंत्र जिंदा है, ये कांग्रेस की खूबी है, देश के लोकतंत्र की खूबी है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन आज देश में राहुल गांधी जी जो अपना मिशन लेकर के चल रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक एकता रहनी चाहिए, देश के नौजवानों को भारत जोड़ो यात्रा पर अगर प्रोग्राम करूंगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा,
भूरी भूरी प्रशंसा करने के लिए आपको जरूर बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ गुजरात और हिमाचल पर। ये बताइए, अगर वाकई में लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी देश जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गुजरात में जमकर कैंपेन करते, बोलते कि लोकतंत्र बचाने के लिए जीतना जरूरी है, सियासी पार्टी सियासी तौर पर जनता के बीच में जाकर वोट के जरिए लोकतंत्र बचाए, ये तो समझ में आता है। अरे विजेंद्र, आज ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह जी, उनका एक शर्मनाक बयान है कि हिंदुओं की हमारी पार्टी और हमने इसको पेटेंट करवा रखा है। जब आप देश की सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर ये बात कहते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है, पूछ रहा हूं कि गुजरात में गुजरात में 2017 का परिणाम भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए विजेंद्र, और एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल तो अब 8 तारीख को वास्तविक आ जाएगा, पता लग जाएगा। सुमित गोदारा, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप ईमानदारी से बताओ, जो दावा आप गुजरात में कर रहे हो वो हिमाचल में कर रहे हो क्या? आपने दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आपके नेताओं ने कहा 230 जीत करके आएंगे, एमसीडी के चुनाव में आपकी क्या स्थिति है? राजस्थान में उपचुनाव है सरदार शहर का, आप राजस्थान में सरदार शहर को जीत रहे हैं क्या? सवाल है कि देश में लोग सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, अब सरदार शहर का कंपैरिजन सर गुजरात से तो मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये कोई कंपैरिजन है सर, आम आदमी की जीत। ए के सिंह जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि हिमाचल में बीजेपी फंस रही है और गुजरात में कांग्रेस जो उसने लीड हासिल की थी 2017 में कि चलिए बराबर आकर खड़े हो गए, वो वहां से एक बार फिर से डीरेल हो गई? देखिए, इलेक्शन के प्रेडिक्शन जो हैं कि क्या रिजल्ट होंगे, इसको कोई भी पूरी विश्वसनीयता के साथ जी रिलायबिलिटी के साथ नहीं कह सकता। कारण ये है कि ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उनमें दो कमियां होती हैं, प्रमुख कमियां होती हैं, जिस कारण से उनकी विश्वसनीयता जो है ऑलमोस्ट जीरो होती है। एक कारण है जो आंतरिक है और कुछ कारण जो हैं वो ब्राह्मी कारण या एक्सटर्नल कारण है। आंतरिक कारणों में जो सर्वे की मेथडोलॉजी है, इसमें कई रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो है कि आपका सैम्पल साइज क्या है। आप देखेंगे कि भारत की या गुजरात की इतनी बड़ी आबादी है, हिमाचल प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से मात्र कुछ हजार लोगों को सैंपल में लिया जाता है। तो एक तो सैंपल के, दिस इज़ ऑल द साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी जो है, उस कारण से ये कमियां हैं। दूसरा, अगर आप सर्वे करते हैं किसी फिजिकल चीज़ का, उदाहरण के लिए कि इस गाँव में कितने हैंडपम्प हैं या इस गाँव में कितने टॉयलेट्स हैं, इस गाँव में कितने टेलीफोन हैं, तो उनका फिजिकल सर्वे आप करेंगे तो उसकी तो रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट 100% होगी। लेकिन जहां ह्यूमन इंटरवेंशन, जहां आप मनुष्य को लाते हैं जो कि एक सोचता हुआ पॉलिटिकल एनिमल है, और जबकि वो कई कारण होते हैं कि अपने पॉलिटिकल व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और नहीं करना चाहता है कभी कभी, तो दूसरी बात ये हुई कि जो आप देख रहे हैं वो एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक जो है ऐसी एंटिटी है जो अपना मत शायद सही से नहीं बता सकती जी। इंटरनल का एक और कारण होता है कि आप किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं किसी के संबंध में जानने के लिए। और जो ब्राह्मी कारण है वो होते हैं ये मीडिया हाउस कौन कंट्रोल करता है, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है, कभी कभी उसका भी प्रभाव देखा जाता है। उसी तरह से कौन से जर्नलिस्ट हैं या कौन से सर्वेयर हैं, उनका अपना पॉलिटिकल मत क्या है जी, वो भी प्रभाव कर सकता है। लेकिन हर किसी की क्रेडिबिलिटी भी मायने रखती है। जब हम इन सारे सर्वे को उठाकर देखते हैं ना, तो ये तो मान सकते हैं कि 100 में से 20 गलत गए, ये तो मान सकते हैं सर। लेकिन मोर और लेस 80 बार ये तो बताया ही जाता है कि रुझान किधर है। नहीं देखिए, आप रुझान 80 बार के आप तो 100 बार बता सकते हैं, लेकिन रुझान की विश्वसनीयता जो रिजल्ट आया है उसका क्या हुआ? अगर आप उठा करके देखें इलेक्शन, जब से ये प्रणव रॉय जी ने ये स्टार्ट किया इलेक्शन सर्वे का टीवी से, उस समय से निकाल करके आज तक देखें, कोई भी सर्वे की कंपनी या कोई भी सर्वे की एजेंसी जिनका कि 40% समय में भी जो इनके प्रेडिक्शंस हुए, इतने इलेक्शंस हुए हैं इस बीच में, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, अगर किसी भी एजेंसी साबित कर दे कि उनका कम से कम 33%
भी सही निकला है इस दौरान, तो मैं आपकी बात देखिए, मैं सर किसी हम तो फर्स्ट इंडिया की बात कर सकते हैं, हमने फर्स्ट इंडिया ने 2014 में बताया था कि भाई 25 के 25 सांसद लेके जा रहे हैं, सही भी हो सकते हैं, 19 में भी हमने बताया था क्योंकि जमीन पर रहते हैं सर, रिपोर्टर रहते हैं, पता चलता है पब्लिक के बीच में रहते हैं, हर दिन रहते हैं, मैं भी बताया था सर कि 25 के 25 सांसद लेकर जाएंगे, एक का के द्वारा एक बार सही प्रेडिक्शन या सर्वे के आप बताइए सर क्या रहेगा, चलिए आपको क्या लग रहा है गुजरात का क्या रहेगा? देखिए क्या हो रहा है उसके कारण आपको जानने में कि क्यों मैं कह रहा हूं, ठीक है? देखिए वहां पे गुजरात में जो दो मुख्य पार्टियां थी आज तक, मतलब कि 2017 के इलेक्शन जी, एक थी कांग्रेस और एक थी बीजेपी। सर मैं माफी के साथ में रोक रहा हूं क्योंकि मेरे 20 मिनट की डिबेट है सर, 8 तारीख को हम एक मेगा कवरेज करेंगे और जब परिणाम आते रहेंगे ना तब आपसे तो एक लंबा विश्लेषण हम उस पर करेंगे सर। मैं आपका एक सटीक आंसर चाह रहा हूं कि सर कौन गुजरात में लीड कर रहा है, मतलब मेरा जो गेस है, मेरा कंक्लूजन जो है वो है कि बीजेपी को जितनी पीछे सीटें आई थी पिछले इलेक्शन में उससे निश्चित ही ज्यादा आएगी, 99 से ज्यादा होगी डेफिनेटली, तो मतलब पूर्ण बहुमत की ही सरकार है क्योंकि 182 है सर, डेफिनेटली। पीयूष शर्मा जी, क्या इसी में आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस तरीके से सबको समेट कर आ गई थी, गुजरात में बस इसी से खुश हो जाएगी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग? अगर दो चार सीट भी आ गई तो ठीक है, कम से कम अपनी आइडेंटिटी तो क्रिएट की गुजरात में, मकसद यही था? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल्स के को अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि वो एक रुझान है, वो एक निर्णय नहीं है, वो एक रिजल्ट नहीं जी। अच्छा अभी ये कह रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में, पीयूष जी, एमसीडी के चुनाव में बीजेपी का भी बोर्ड बन सकता है, अब ये कह रहे हैं? नहीं, एमसीडी के चुनाव देखिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये रुझान है सिर्फ जी, मतलब बीजेपी का बोर्ड बन सकता है या मानकर चल रहे हैं संभावना है कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी का बोर्ड बन सकता है? अब वो तो 8 तारीख को रिजल्ट जो आएगा उससे ही पता लगेगा। और गुजरात में क्या रहेगा? गुजरात में तो जो जिस तरीके से हमने काम किया है और जनता वहां पे जिस तरीके से उनका सपोर्ट मिला है, लोग एग्जिट पोल तो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन अभी दो दिन पहले अमित शाह जी का वहां पे रोड शो हो रहा था, दिल्ली में भी एग्जिट पोल आया है और वो आम आदमी पार्टी की बोर्ड बना रहा है और इतने बहुमत के साथ कि बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है, तो मतलब फिर तो उसको क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई यहां पर भी बीजेपी का बनवा दीजिए उस हिसाब से। तो नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा समय दिया है नेता बदलने का सर। नहीं, नेता बदलने का नहीं, जनता जो परिवर्तन चाहती है सर, परिवर्तन तो वहां नेताओं में हो रहा था, पहले कोई अध्यक्ष, फिर अचानक से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, फिर बीच में अरविंद केजरीवाल खुद घुस गए। नहीं देखिए, तो जो भी सटीक व्यक्ति हमको नजर आया उसी को ही केजरीवाल जी ने आगे वो प्रोजेक्ट किया है, और जो 4 साल से मेहनत कर रहे थे वो सब पीछे आ जाए। नहीं, वो लोग भी साथ में हैं, उन लोगों को भी टिकट दिया, चांस दिया गया है जी। ठीक है सुमित भाई, क्योंकि हिमाचल गुजरात तो वैसे भी गढ़ है और गुजरात को लेकर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किसी के जहन में होगा, बस यही होगा कि 100 से ऊपर कितने, बस इतना ही कंफ्यूजन है। लेकिन हिमाचल में फिर भी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर और हो सकता है कि बीजेपी वहां लूज कर जाए, हालांकि इसको लेकर एक खेमा यह भी कह रहा है कि बीजेपी लूज कर गई तो लूज करने के बाद भी वो वहां सरकार बना लेगी, जैसे एमपी में बनाई, जैसे महाराष्ट्र में बनाई। विजेंद्र जी, गुजरात में तो थंपिंग मेजोरिटी आ ही रही है, पर हिमाचल में भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी, जिस तरह उत्तराखंड में बीजेपी ने जो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड था वो बदला, जिस तरह हिमाचल में ट्रेंड चलता आ रहा है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये ट्रेंड हिमाचल में भी बदल रहा है। लेकिन वहां के 20 नेता हैं, 68 सीटें हैं, 68 सीट में से 20 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखो, पार्टी से नेता चुनाव छोड़ के लड़े, कोई लड़े, बीजेपी एक समुद्र है और जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का महत्व है, कार्यकर्ता आप ये देखिए पार्टी है, कितने कार्यकर्ता लगातार आगे आते आ रहे हैं, यही पार्टी तभी पार्टी आगे बढ़ रही है और हमें गर्व होता है ये पार्टी। सुमित गोदारा जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप खत्म कर रहे हो आप लोग,
गुजरात में हमारे 40 कांग्रेस के नेताओं को आपने कांग्रेस के हटा करके फूल का निशान दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी डर रही है दूसरे दलों के अच्छे लोगों को शामिल करके अपना काम से नहीं, केवल हमारे चेहरों पे चुनाव लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खत्म करिए सुमित गोदारा। गुजरात में अगर आप जीत भी जाओगे तो लोकतंत्र का वो पराजय होगी। कांग्रेस के नेताओं को आप साम दाम दंड भेद करके अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाते हो। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की आप हत्या कर रहे हो। सुमित गोदारा जी, आर तिवारी जी, आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बिकाऊ हैं, बस एक अच्छा रेट लगना चाहिए। सवाल ये नहीं कि बिकाऊ, आज देश में जो ट्रेंड चला है विजेंद्र, 2008 के बाद में हुआ है, तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे, पूछ रहा हूं आपसे, अटल बिहारी वाजपेयी, एक अच्छा रेट अगर लग जाएगा, नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा रेट लग जाएगा तो वो बीजेपी में चले जाएंगे। आईटी के नाम पर आप देश के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, राजनीतिक लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, पत्रकारों को, डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को ब्लैकमेल कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी रही का ये तो चूचू का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता आंसू बहा रहा है सुमित गोदारा, जिसके कानून तोड़ता है और जिन्होंने भ्रष्टाचार में पैसा कमाया उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या आपको बीजेपी किसी भी सूरत में अपने अंदर शामिल कर सकती है? नहीं, मेरे को शामिल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सवाल है कि मैं आज 45 साल से कांग्रेस का झंडा उठा करके चल रहा हूँ, लेकिन देश में आज जो नया ट्रेंड चल रहा है, सर ऐसे बहुत से नेता हैं, रात में पंजाब में जाखड़ चाहिए, मेरे पंजाब में जाखड़, अमरिंदर सिंह जी, अमरिंदर सिंह जी देखिए आप कानून से उसका आपने क्या अपमान किया, सीनियर लीडर का क्या अपमान किया अमरिंदर सिंह जी का, आज राहुल गांधी का नेतृत्व, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने आप गए, जो बुराइयां आ गई थी राहुल गांधी तिवारी जी, एक तो मुद्दे से बात कर लेते हैं सर, मानिए ना, अच्छी बात है भाई, जो क्रेडिबल थे ही नहीं आर तिवारी जी, जो क्रेडिबल थे ही नहीं, जो विश्वसनीय थे ही नहीं, वो चले गए, अच्छा हुआ ना, शुद्धिकरण हो रहा ना, हाँ तो ये तो इसके लिए तो थैंक यू कहिए, जो बिकाऊ थे चले गए, अब जो अच्छे हैं वो रह जाएंगे, तो थैंक यू कहिए ना इसके लिए, देश में ब्लैकमेलिंग का माहौल है, देश में धनबल का माहौल है, ये चुनावी बॉन्ड लाके, इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके, आर तिवारी जी सर बार बार मुद्दे से भटकते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गुजरात में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस उस दौर में भी नहीं पहुंच पा रही जो 2017 में एक बड़ा माइलेज था। अब मैं कारण बताता हूं, क्या इसका कारण यह है कि इस वक्त गुजरात में अहमद भाई कांग्रेस के साथ नहीं है? क्या इसका कारण यह है कि पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लीड किया था, बतौर प्रभारी लीड किया था, इस बार वो सीनियर ऑब्जर्वर हैं और वो पूरे तरीके से वहां नहीं जा पाए? क्या इन दो बड़े नेताओं का पूरा फोकस गुजरात पर नहीं होना, इसी का खामियाजा कांग्रेस वहां भुगत रही? विजेंद्र, अशोक गहलोत जी आज भी वहां के प्रभारी हैं, जितने ताकत वो लगा प्रभारी सकते नहीं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं, लेकिन अहमद पटेल की कमी जरूर खल रही है। वहीं के पैदाइशी अहमद पटेल, वो जो चाणक्य माने जाते थे राजनीति के, आज वो हमारे कांग्रेस में नहीं है, दुनिया में ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा संगठन वहां है, वो महात्मा गांधी का प्रदेश है, वो सरदार वल्लभ भाई का प्रदेश है, आज वो हवा में। अच्छा बताइए आर तिवारी जी, हार्दिक पटेल जब छोड़ के गए थे क्या कहा था उन्होंने? फिर आए क्यों थे हार्दिक पटेल? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, क्या कहा था उन्होंने? सवाल है कि जब इनको डर लगता है मेरे को फंसा देंगे, कितने केस लगा दिए आपने हार्दिक पटेल पे भारतीय जनता पार्टी ने, जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ कितने मुकदमे लगा दिए, क्या वाकई में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव चला गया उस तरीके से, नहीं डरा वो आज रिवाइव नहीं कर पा रही जिस तरीके से उसको करना चाहिए, और उसके बड़ा कारण यह है कि वो अंदर देख नहीं पा रही कि अंदर चल क्या रहा है, उनके नेताओं के अंदर चल क्या रहा है। पंजाब में यही हुआ, गुजरात में नेता छोड़कर गए, हिमाचल में नेता छोड़कर गए, कोई ऐसे ही थोड़ी ना छोड़कर जाता है। मैंने क्या कहा, शुद्धिकरण का दौर चल रहा है सर, वो तो आपके लिए है ना शुद्धिकरण, लेकिन शुद्धिकरण के चक्कर में सरकारें जा रही है, रुकिए जरा सर, एक मिनट रुकिए, छोड़ के जाने दो सर, सवाल आपसे था ए के सिंह जी, जो कांग्रेस की स्थिति है और जो परिणति दिख रही है, जो कि टर्मिनल डिक्लाइन की ओर जा रही है, उसमें वो फैक्टर तो है ही जो आपने बताया, ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर और जो लीडर का फैक्टर है। कांग्रेस की स्थिति ये है आज की डेट में, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रजातंत्र में सफलता के लिए तीन मुख्य जो फैक्टर्स होते हैं या कारक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और आइडियोलॉजी। आज की डेट में कांग्रेस तीनों पैरामीटर्स पे ऑलमोस्ट जीरो के नज़दीक है जी। राइट, तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस जो गुजरात की है वो इनको महंगी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा पीयूष शर्मा जी, जरा बताइए
लगातार इस तरीके से चुनाव को जीरो करते चले जाएंगे तो मकसद क्या है? मकसद पर यह तो नहीं कि सरकार बनानी है, मकसद कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट शेयर को इस तरीके से बढ़ा देना है कि कम से कम पहले नेशनल पार्टी का तमगा हमें मिल जाए, फिर देखते रहेंगे क्या होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हम हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आगे भी। ऐसा कुछ नहीं कि हमको नेशनल पार्टी का सिर्फ वही एक वो है, और जी हर जगह जो हमारा दिल्ली मॉडल है उसी को लेके हम चले हैं और चलते रहेंगे। राजस्थान में भी हम 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल में जो हमारा एजुकेशन, हमारी एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। हिमाचल में फेल हुए, उत्तराखंड में फेल हुए, गोवा में फेल हुए, यूपी में फेल हुए, कौन सा मॉडल? मॉडल जो चलना चाहिए राजस्थान का, 10 लाख रुपए का हमने जीवन बीमा दिया है आम आदमी को, ओल्ड पेंशन स्कीम दी है हमने। आर आर तिवारी जी, वैसे जितने भी राज्य आपने गिनाए ना सर, उसमें कांग्रेस भी फेल ही रही है, कहीं पास नहीं हुई है कांग्रेस। हमारे की विचारधारा से तो भटक गए थे हम लगातार। आज राहुल गांधी विचारधारा को ताकत देने के लिए पैदल घूम रहे हैं। सत्ता हमारी कोई पहला लक्ष्य नहीं है। हमने भी पहले जो आज चुनावी मशीन भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए लड़ती है, हम भी ऐसा करते थे। उससे हमारे में कमी है कि हमारी विचारधारा वाले लोग कम हो गए, पैसा कमाने वाले लोग ज्यादा आ गए। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सीरियसली आपको सलूट करता हूं कि आपने माना कि आपके नेता जनता से इतर पैसा कमाने लग गए थे, आपके नेता कांग्रेस की आइडियोलॉजी को छोड़कर पैसा कमाने लगे थे। मैं सच में सैल्यूट करता हूं। विचारधारा से भटक गए थे, उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। और राहुल गांधी फिर उसी ताकत के साथ में हमारी जो आइडियोलॉजी है। आर आर तिवारी जी, जरा बताइए राहुल गांधी जी गए कहां थे? इससे पहले वही अध्यक्ष थे, वही उपाध्यक्ष थे, गए कहां थे? जीत का हमारा लक्ष्य था ही नहीं। ये जो भारत यात्रा है जी, ये जीत के लिए चुनाव लड़ने का था ही नहीं। यात्रा की देश में भाईचारा हो, देश में आम आदमी की महंगाई। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित गोदारा जी आपका भी शुक्रिया, पीयूष जी आपका भी शुक्रिया, एके सिंह जी आपका भी शुक्रिया। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, इनको आप पूरे तरीके से जनता का परिणाम ना भी माने तो एक रुझान मान सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस एग्जिट पोल के जरिए कई सियासी जो इच्छाएं हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म से एग्जिट होती जरूर नजर आएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियां इंटरनली मंथन कितना करती हैं, सिंहासन इसी पर टिका है। नमस्कार।